अगर मुरली न पड़ी अथवा न सुनी तो समझो मुर्दा होने की तैयारी करते हैं। तो क्या थर्ड क्लास मुरली पढ़ना सुनना जरूरी है? 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 अरे फर्स्ट क्लास न मिले, सेकंड क्लास भी न मिले तो कम से कम थर्ड क्लास भी मिलेगी तो जिंदा बने रहेंगे, मुर्दा तो नहीं बनेंगे। ज्ञान तो अंत तक सुनना है, ज्ञान की धारणा नहीं होगी तो याद भी नहीं आवेगी। अगर टैप सुनना अथवा मुरली पढ़ना भी छोड़ दिया तो बस समझो हमारी मौत सामने है। कोई बचा नहीं सकता, मौत सामने है माने है? क्या मतलब? अनिच्छे बुद्धि रूपी मौत सामने है, फिर मुर्दा बन पड़ेंगे। ईश्वरी औलाद से बदल कर आसुरी औलाद होना पड़ेगा। फिर वो आसुरी संग बिल्कुल खराब कर देगा। इसलिए मुरली तो कहाँ भी सुननी है जरूर, अगर ऊंच पद पाना है तो। विलायत में भी मुरली जरूर पढ़ते हैं, कहते हैं कि मुरली तो हमारा जीवदान है। मुरली नहीं पढ़ते हैं सुनते हैं तो खलास हो जाएगा, फिर समझा जाएगा ईश्वरीय संतान था, भार कितनी भार कती लेकर चला गया। ऐसे मुंह तो बहुत है, बहुत हुए हैं और बहुत होने वाले हैं, जहां वो पधारे जो बाप का भी हाथ छोड़ देंगे। भारत की मिट्टी और ये पिछाड़ी तक भी चलता रहेगा। बरस दो बरस मम्मा बाबा कहते फिर फार कती दे देते, फिर खलास हो जाते। इसलिए क्या करना चाहिए? मुरली तो जरूर सुननी चाहिए।